हेलो फ्रेंड्स, मैं रजी अमान आपको अपने चैनल गार्डनिंग ऑन रूफ टॉप पर एक बार फिर से वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आपने मेरा बोनसाई ट्रे में जो फाइकस के प्लांट लगा रखे थे मैंने, तो उसको एक बोनसाई का रूप देना चाहता था मैं, तो इस वजह से उसको छोटा सा लैंडस्केप बनाया था मैंने यहाँ पे। तो छोटा सा हाउस रखा था, उसके साथ जो इसकी कटिंग्स थी मैंने उसको साइड में लगा दी थी, जो आज काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही हैं। तो इसमें थोड़ा बहुत ग्रोथ अभी धीरे धीरे स्टार्ट हो गई है अच्छे से। दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने इसको फिर से रिपोर्ट किया था तो थोड़ा सा इसकी सॉइल में और मैंने ऊपर करी थी, जिससे थोड़ा सा और अच्छा लगे। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था इसमें कुछ नया करने के लिए दोस्तों, तो आज मुझे टाइम मिला, लेकिन ध्यान नहीं आया कि आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँ। जब ये कंप्लीट हो गया काम तो सोचा कि तब ध्यान आया कि आप लोगों के लिए वीडियो बना दूं दोस्तों, कि आज मैंने इसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं। पहले भी आपने देखा होगा कि जस्ट में जो मैंने इसकी ये बाड़ बनाई है, चारों तरफ से कवर किया है दोस्तों, तो पहले ये नहीं था। और इसमें जो ऊपर से छोटे छोटे स्टोन दिख रहे हैं, मैंने इसके सॉइल को ऊपर से डाला है, वो भी नहीं था। और इसके मैंने रास्ते पे दोस्तों थोड़ा सा तार भी ऐसे लगा दिया है, तो कुछ इसमें और चेंजेस करने हैं दोस्तों। अभी मेरे पास सामान नहीं है, थोड़े से मुझे प्लास्टिक के एनिमल्स भी लाने हैं, छोटे छोटे बिल्कुल जो होते हैं वो लाने हैं, वो यहाँ पे लगाने हैं, तो थोड़ा सा और चेंजेस आएंगे इसमें। और ये जो हाउस है थोड़ा सा और ऊँचाई पर करना है, और इसमें थोड़ा सा मुझे सीढ़ियाँ बनानी है छोटी छोटी सी। तो आज जो मैंने चेंज किया है दोस्तों, ये जो बम्बू होता है मैंने उसको काट के उसके पतले पतले स्ट्रिप छोटे छोटे बना के, और मैंने इसको पहले लगाया, उसके बाद मैंने इसमें तार से इसको बांधा है। चारों तरफ से मैंने इसको कर दिया है, एंड एक छोटा सा गेट बना दिया दोस्तों मैंने यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं वायर से मैंने इसको यहाँ पहले किया, फिर उसके बाद एक वायर यहाँ पे ऊपर से लगा दिया जिससे छोटा सा गेट नज़र आएगा। और बाकी जो आप ये देख रहे हो इसकी कटिंग्स हैं, जो काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही हैं दोस्तों, अब इस थिकनेस भी इसकी बढ़ रही है। अब इसको इंडिविजुअल में शिफ्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं शिफ्ट करूँगा नहीं, यहीं पे ये ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं दोस्तों। तो और आज इसमें मैंने थोड़ा सा फर्टिलाइजर भी किया है, इसमें जो मैं अभी परचेज करके लाया था वर्मी कंपोस्ट और मैन्योर मिक्स था वो, तो मैंने इसके सरफेस पर ऊपर से ही बिल्कुल हल्का सा स्प्रिंकल कर दिया है, अराउंड 30 to 40 ग्राम। तो और उसके ऊपर से ये छोटे छोटे स्टोन है वो डाल दिया है, एंड हल्के से स्प्रे से मैंने वाटरिंग कर दी है। आई होप कि अभी अच्छे से ग्रो करेगा। इससे पहले मैंने इसमें जब फर्टिलाइज़र दिया था वो DAP का दिया था दोस्तों, बहुत लगभग 7-8 दाने, और NPK का वाटर में इसको डिसॉल्व करके NPK दिया था। उसके बाद तो थोड़ा सा इसमें ग्रोथ स्टार्ट हुई है, बट मैं चाहता हूँ कि इसमें मैंने ऑर्गेनिक जो मैन्योर है मेरे पास और वर्मी कंपोस्ट मिक्स है वो मैंने डाला है, उसका मैं रिजल्ट देखना चाहता था। इस वजह से आज मैंने अभी जो जब लाया हूँ मैंने किसी प्लांट पे वो अप्लाई नहीं किया है, फर्स्ट टाइम मैं इसी प्लांट पे अप्लाई कर रहा हूँ। कुछ दिनों बाद मैं देखूँगा कि इसमें क्या रिजल्ट इसके आ रहे हैं अच्छे। आप लोगों को मैं इसके जो बाड़ है करीब से दिखाता हूँ। मैंने कलर भी किया है, मेरे पास कलर था नहीं ब्लैक कलर, तो मैंने मार्कर से जितनी भी स्ट्रिप बनाई थी वो सारे के सारे मैंने मार्कर से ब्लैक किया, एक ब्लैक एक वाइट एक ब्लैक एक वाइट, तो इस तरह से थोड़ा सा मैंने डेकोरेट करने की कोशिश करी है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। और भी इसमें कुछ चेंजेस होंगे तो बहुत सारे क्रिएटिव माइंड होते हैं मेरे व्यूवर्स जो हैं, वो भी काफ़ी हर देखो जितने भी लोग हैं वो अलग तरीके से सोचते हैं, हर चीज़ को अलग तरीके से देखते हैं। तो आप लोगों को अगर इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो अच्छे सुझाव हों तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर सोचूंगा उसके बारे में कि क्या क्या इसके लिए कर सकता हूँ मैं। तो ये प्लांट दोस्तों है कि थोड़ा सा और इसकी हाइट होती तो इसकी डाल को थोड़ा सा और झुका के मैं इस पर छोटा सा झूला डालना चाहता था, बट वो एक दो बार ट्राई भी किया मैंने तार का झूला बना के, लेकिन वो बढ़िया लग नहीं रहा था दोस्तों। तो कहीं छोटा मोटा मुझे बच्चों के खिलौने वाला झूला मिल जाएगा, जैसे उनका खिलौनों का सेट होता है वो झूला मिलेगा, तो मैं इसमें ट्राई करूँगा लगाने के लिए, अगर अच्छा लगेगा तो
एक मेरे माइंड में एक प्लान तो ये है। अगर आप लोगों दोस्तों कोई और प्लान हो इसके लिए, किसी ने मेरे फ्रेंड ने कहा था कि इस पे आप मॉस लगा दीजिए, लेकिन तो दोस्तों अभी मेरे पास मॉस अवेलेबल है नहीं, तो इस वजह से मैंने मॉस लगाया नहीं है। और लास्ट टाइम जहाँ से मैंने कलेक्ट किया था मॉस, वो वाटर टैंक था उसके आसपास से कलेक्ट किया था, बस अब वहाँ पे भी ड्राई हो चुका है तो वहाँ पे भी मॉस है नहीं। तो जब भी मुझे कहीं मॉस मिलेगी तो मैं इस पे ज़रूर लगाऊंगा, उससे थोड़ा सा ये ग्रीनरी ज़्यादा आएगी और ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो दोस्तों ये था मेरा क्विक सा वीडियो जो काफ़ी लॉन्ग हो सकता था अगर मैं इसकी जो शुरू से 1-1.5 घंटे से इस पे मेहनत कर रहा हूँ, अगर वो उसकी वीडियो बनाता तो शॉर्टकट में तो 10-15 मिनट की वीडियो बनी जाती, लेकिन ये क्विक सा वीडियो बनाया आप लोगों के लिए कि हाँ मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आइएगा, कमेंट कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना और अपने पौधों का ध्यान रखिए।